कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, और जिसके लिए वो इंटरनेट से लेकर फेसबुक और आपके यूट्यूब की दुनिया में छाए हुए हैं। मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हुए, चूंकि आज बलिदान दिवस की बात हो रही है, मैं जिस कवि से ये अपेक्षा रखता हूं कि वो हास्य व्यंग या श्रृंगार की बात करे, वो आज कश्मीर और पाकिस्तान पर बात चली जाती है, वो एक स्वाभाविक सा माहौल बन जाता है। कहने के लिए कुछ इसमें रहा नहीं, लेकिन मोहन मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बार जिस कविता के लिए आप जाने जाते हैं, सभी श्रोताओं की तरफ से एक बार जोरदार तालियों के साथ आप मोहन मंत्री जी को आदेशित कीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद साहब। मैं पता नहीं किस कवि के हिस्से का वक्त ले रहा हूं, अब यकीन मानेगा हर दूसरे दिन यही काम है, लेकिन हर कवि सम्मेलन में, कवि सम्मेलन पढ़ते हैं दिलीप साहब, कुछ ऐसे कवि सम्मेलन होते हैं खासतौर पर रुद्रपुर के, जहां पे कविता पढ़ने का मन करता है। ये आप सबकी रुद्रपुर की एक खासियत है, और बहुत बड़ा योगदान साहब आपका ही है, आसपास तो कोई होता नहीं। लेकिन दिलीप साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप हिम्मत करते हैं कवि सम्मेलन करने की, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जो मेरा मन है, लेकिन थोड़ा सा मनोरंजन के साथ सुन लीजिएगा तो आपको आनंद आएगा। मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, उस एक मेरी जिंदगी उद्देश्य है साहब, जो कविता हो गई है, बहुत जल्दी आपका समय मैं जल्दी काम कर दूंगा। उस कविता से पहले मेरा मन है कि मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। एक अभियान चला गया है देश में, बेटी बचाओ अभियान, एक अभियान मैंने चलाया, बेटे बचाओ अभियान। स्वागत है, चार पंक्तियां मैं वचन करता हूं साहब, बेटे बचाओ अभियान में मेरा साथ आप सब लोग दें। मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जो मेरी जिंदगी का उद्देश्य। असल में हुआ क्या दिलीप साहब, मेरा एक दोस्त था जिसने एक लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी। जब अपने उस दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तब मेरी कुछ कविता का रंग बदला। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद वो कविता पढ़ूंगा जिसका आदि सुनेगा। मोहब्बत को बुजुर्गों से अधिक सम्मान मत देना। यहां जितने बुजुर्ग बस जो रखते हैं, अगर उनके बेटे आज यहां ना आए हो, ये चार पंक्तियां उन तक पहुंचाना जरूर। मोहब्बत को बुजुर्गों से अधिक सम्मान मत देना, जहां माँ बाप रहते हैं वहां स्थान मत देना, जहां माँ बाप रहते हैं वहां स्थान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना, किसी लड़की की खातिर आप पढ़वा तो रहे हो, क्या बात। आइए, बेटे बेटे बचाओ अभियान का मैं वो बेटे बचाओ अभियान का जो हिस्सा आपसे जोड़ेंगे, एक कविता पढ़ना चाहता हूं साहब, कहीं नहीं सुनी होगी आपने आज तक, अगर मुझे YouTube में सुनी हो तो शायद सुनी हो। अब बस थोड़ा सा याद कीजिएगा अपने कॉलेज का पहला दिन, दिलीप साहब कॉलेज पढ़ा होगा आपने, अग्रिम पंक्ति में जितने यहां पे उपस्थिति रखते हैं मेरे भाई, उन्होंने कॉलेज पढ़ा होगा। याद कीजिएगा अपने कॉलेज का पहला दिन, हमें किसी लड़की से मोहब्बत होती है, वो लड़की उस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की होती है, और मजे की बात तो ये साहब कि उसी लड़की से आधे कॉलेज के लड़कों को मोहब्बत हो जाती है। उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जो अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं या कलेक्टर बन जाते हैं, और वो आधे लड़के जो अपने दिल की बात कह देते हैं, वो या तो कवि बन जाते हैं क्योंकि वो लड़की उनको इनकार कर देती है साहब, अपना अनुभव, वो लड़की उनको मायूस कर देती है, तो वो आधे लड़के जिनको लड़की मना कर देती है, वो या तो कवि बन जाते हैं या फिर कवि सम्मेलन सुनने वाले श्रोता। उस वक्त एक गुस्सा आता है साहब, मैंने अपने गुस्से को एक चिट्ठी में तब्दील कर दिया, एक मनोरंजन की कविता है साहब, बिल्कुल इसको कहीं और मोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, एक मनोरंजन कविता, एक ऐसी विधा जिसपे किसी ने काम नहीं किया, पढ़ता हूं, जिसकी वजह से मेरी पहचान बनी है कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। स्वागत है, मैं एंटी रोमियो स्क्वाड का सदस्य हूं। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्या बात, क्या बात, धीरे धीरे आनंद आएगा आपको, धीरे धीरे आनंद आएगा। अच्छा, मेरी नजर पड़ी हिमांशु शुक्ला जी, मेरे बड़े भैया बैठे हुए हैं, यकीन मानेगा मैं असल में होश में पहली बार आपको देख रहा हूं।
खुद के होश में। अगला बंद पढ़ता हूँ। होता ना कि हम एक किसी को खत में लेकर भेजते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक हास्य विनोद की कविता है ये, इसको दिल से मत लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें और ना दिमाग लगाना, मैंने लिखने में नहीं लगाया, आप सुनने में क्या लगाओगे। एक लिखते ना, एक हल्का सा चिट्ठी में लिख के रखते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर उस चिट्ठी को वो चार टुकड़ों में वापस आपकी तरफ उछाल देती है। अगर उस वक्त उस चिट्ठी में ये लिखने की बजाय कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ये लिखकर भेजा होता कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, तो आज भी वो खत उसकी अलमारी में रखा होता। यहां से शुरू करता हूं, करोगी मोहब्बत तो कुछ यूं मोहब्बत होगी, कभी शक होगा मुझ पे कभी शिकायत होगी, जिनसे वास्ता नहीं उनसे अदावत होगी, शहर से नफरत दुनिया से बगावत होगी, हम सह जाएंगे तुम ना सह पाओगी, कैसे जमाने के सितम उठाओगी, समझाएंगे घर वाले तो मुझसे खफा हो जाओगी, मैं तन्हा रह जाऊंगा तुम बेवफा हो जाओगी, तुम हो जाओ बेवफा ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। धीरे धीरे यह खत जवान होगा, सुनिएगा होता क्या कि अब यकीन मानेगा इस चिट्ठी के बाद, इस खत के बाद मोहब्बत में होने वाले फिजूल खर्चे बच गए। वो खर्चे जो सिर्फ लड़के करते हैं, वो खर्चे जो सिर्फ लड़कियों पे किए जाते हैं, और वो खर्चे जो कभी वापस नहीं आते। अच्छा, इस कविता के बाद, इस खत के बाद मेरे नौजवान भाइयों की जेब में पैसा और मोबाइल में बैलेंस रहने लगा। करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी, शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी, पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी, सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे, इन हरकतों से एक दिन उकता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी, तुम ठुकराओ हमें ऐसी नौबत क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार मुझे बताते, मैं यहीं से शुरू करता। चलो अगली बार आगे शुरू करेंगे। इस खत के दो हिस्से बचते हैं, दो बंद बचते हैं, और सबसे अच्छे जिसकी भूमिका मैंने ये तीन बंद पढ़ दी, जितने मेरे बुजुर्ग यहां उपस्थिति रखते हैं, अगर वो दिन याद आ जाए तो इस बार आशीर्वाद दे देना। करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा, तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें, फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी, वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो, आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी, उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा, याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत, बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ बुढ़ापा हमारे साथ, तुम मिलो बुढ़ापे में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। सबसे हिस्सा, लेकिन जैसे आपने क्या कहते हैं मेरा स्वागत किया था, आदरणीय इस बार लास्ट बंद आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, कुछ देर क्या बात कर लीजिएगा आप तो। नहीं, मैंने वोट दिया आपको, मेरा हक बनता है। मेरा अधिकार बनता है, मैंने वोट दिया आपको। आइए, आपका वोट सुरक्षित है। जिसने वोट दिया सबका अधिकार बनता है इन पे। आइए, तो इसका आखिरी बंद, जैसे स्वागत किया वैसे विदा करना, ताकि मुझे भी आनंद आ जाए कि आज पढ़ा इस रुद्रपुर में। सुनेगा क्या, करोगी मोहब्बत एक वो अपने, मैं अपने उस दोस्त को याद करना चाहता हूं जिसने जान दे दी। होता क्या साहब, एक मोहब्बत की ताली बजती है, उस ताली में एक शोर उठता है, उस शोर में गलती एक हाथ की मानी जाती है जबकि ताली दोनों हाथों से बजती है। होता क्या साहब, बेटे बचाओ अभियान, ये आखिरी बंद, इसको ध्यान रखे, बेटे बचाओ अभियान और तालियों से मुझे विदा करना। सुनेगा, करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, मां के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम, फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत। लोग मोहब्बत के लिए जान दे देते हैं, और ये एक नामुराद शहर है हमारा ट्रांजिट कैंप थाना,
जो एक बंदा कहता है कि हमें मोहब्बत ही ना हो और आप लोग तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन करते हैं, मुझे लगता है ये टीस सबके मन में है, ये टीस सबके मन में है। उन्होंने जो बात कही है, मुझे लगता है कि हम रिवर्स में चले गए, बहुत पीछे की दुनिया में चले गए। बहुत बहुत बधाई मोहन मुंतजर को इस उम्दा रचना के लिए। जैसा कि मैं पहले से कह रहा था कि आज कवि सम्मेलन नहीं हो रहा है, कविता सम्मेलन हो रहा है और एक शानदार महफिल सजाई, इसके लिए मैं दिलीप अधिकारी जी को पुनः आभार प्रकट करता हूं। और बहुत अच्छा लगा जिस तरह से मन से आप लोग जुड़े हुए हैं। बहुत कम कवि सम्मेलन में ऐसा होता है, बड़े बड़े कवि सम्मेलन में मैंने देखा कि आधे लोग उठकर चले जाते हैं, लेकिन आप लोग आज भी बैठे हुए बहुत मन से सुन रहे हैं। मैं मंच से चाहता हूँ एक बार ऐसे श्रोताओं के लिए जोरदार तालियों के साथ।